धरती पर उतरती है और उससे बाहर निकलता है सबका हीरो एस और उसे एक झलक दिखती है मेगा ब्लास्ट गन की। तो एयरपोर्ट से एस जाता है प्रोफेसर सिकमोर के पास, पर रास्ते में वो मिलता है क्लेमेंट, बॉनी और एक जख्मी फ्लोकी से और इधर ये टीम रॉकेट बेस बदल के गार्चॉम को अनकंट्रोल कर देता है जिससे गार्चॉम पागल होकर शहर में तबाही मचाने लगता है। पर एस और पिकाचू गार्चॉम को होश में लाते हैं लेकिन तभी पिकाचू टावर से नीचे गिर जाता है और बिना कुछ सोचे सीधे एस भी टावर से नीचे कूद पड़ता है और ये पूरी घटना लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है टीवी पर और एक लड़की टीवी पर एस को ऐसा करते हुए देखकर चौंक जाती है। फिर एपिसोड खत्म होता है और फ्लोकी एस को अपना मास्टर चुनता है क्योंकि फ्लोकी एक ऐसा पोकेमॉन था जिसने आज तक हर एक ट्रेनर को नाकार दिया था लेकिन फ्लोकी इस बार एस को चुनता है। अगले एपिसोड में बुलन की फैसला कर लेती है कि मुझको एस से मिलना है तो अपना स्टार्टर पैक इनको चुनकर वो चल पड़ती है एस से मिलने। लेकिन इस दौरान एस पकड़ लेता है अपना नया पोकेमॉन फ्लैचलिंग और इसके बाद एस क्लेमेंट और बॉनी को देखता है डेड डैनी जिसे क्लेमेंट पकड़ के अपनी छोटी बहन बॉनी को देता है। अब एस चलते चलते पहुंच जाता है शैंटलिन जिम और झट से एस चैलेंज कर देता है जिम लीडर वियोला को और काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी एस का पिकाचू और फ्लैचलिंग वियोला से हार ही जाता है। तो हमेशा की तरह एस रिमैच के लिए ट्रेनिंग करता है और जब एस अलेक्सा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वहां एंट्री हो जाती है उस लड़की की जो एस को कुछ याद दिलाना चाहता है पर एस इस बात को भूल चुका होता है। तो फिलहाल के लिए एस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता है और जब अगले दिन वियोला के साथ एस का रिमैच होता है तो वापिस से एस को एक बड़ा सा झटका लगता है, एक सीक्रेट अटैक फ्लैचलिंग को हरा देती है यानी सारा का सारा बोझ होता है पिकाचू पर और जिसके लिए पिकाचू जाना जाता है वो वियोला के दोनों पोकेमॉन को उसी की स्टाइल में हराकर एस को जितवा देता है बग बैच। इसके बाद एस क्लेमेंट और बॉनी आगे बढ़ते हैं तो वापस से वो लड़की आती है और एस को याद दिलाती है कि मैं हूँ सेरीना, इसको बचपन में तुमने उसकी चोट ठीक की थी, इसको तुमने रुमाल भी दिया था, इसको तुमने बचपन में लाइफ की इम्पोर्टेंट बात भी सिखाई थी और अब जाके एस को याद आता है कि सीज माइंड दोस्त है। इसके बाद एमए में होता है रायहॉन रेस, फिर इसके बाद उनको दिखता है ब्यूटी पोकेमॉन फर्फ्रो और लुमिनस सिटी के रास्ते में एस जानता है इन्वेंटर क्लेमेंट के एक महान इन्वेंशन एक रोबोट जिमनेटर को और फिर क्लेमेंट एस को कहता है कि इस जिमनेटर में कोई तभी आ सकता है तो उसके पास चार बैजेस ऑलरेडी हो और क्योंकि एस के पास सिर्फ अभी एक बैजेस है तो एस पतली गली पकड़ के आगे बढ़ता है। देन आगे के एपिसोड्स में आता है जस्मिन पोकेमॉन जिसको क्लेमेंट पकड़ लेता है, फिर फैंचम और पैंगोरो पोकेमॉन का नाटक हमें देखने मिलता है, बोलो तो मुंह में ये बांस की डंडी नहीं है तो ऐसे एक्ट करता है जैसे दुनिया का सबसे कमजोर और उदास यही है। तो यहाँ का गड़बड़ सोचने के बाद एस की टोली मिलती है बहुत सारे स्कैटरबग पोकेमॉन से जहाँ हमें मस्त रेनबो का फील मिलता है। फिर हमें दिखता है ईवी का एक नया एवोल्यूशन सिल्वियन। इसके बाद एनीमे में आता है हॉरर एपिसोड जहाँ पे सब की पुंगी बज जाती है और ये पुंगी एस पर पोकेमॉन बजाता है। इसके बाद क्लेमेंट का जस्पिन और एस का फ्रूकी आपस में WWE शुरू कर देते हैं खाने के लिए और अगले एपिसोड में एक लड़की के पिचू और बॉनी के डिडैनी की आपस में हेराफेरी हो जाती है और जंगल में एस मिलता है निंजा ट्रेनर सांपाई से, इसके पास फ्रूकी का एवोल्यूशन फ्रूगार्डियर होता है। देन एस की टोली को टास्क मिलता है स्नोरलैक्स को जगाने का जिसके लिए एस को बहुत पकड़ मिलने पड़ते हैं। इसके बाद एमए में धूम मच जाता है जब मैडम एक्स का मेलमैन पोकेमॉन पिकाचू को वश करके एस पर वार करवाता है लेकिन जिस तरह एस का पिकाचू एस को वापस मिल जाता है इट वॉज अनफॉरगेटेबल। फिर अब एस पिकाचू चार्टर्ड टाइटल के लिए काफी सारी बैटल करते हैं साथ ही उनकी ट्रेनिंग भी आती है। इसके बाद किचन में सेरीना अपना टैलेंट दिखाती है पॉकेट विजन वीडियो बना के जिस बीच हमें बहुत सारे क्यूट और फनी सीन्स भी देखने को मिलते हैं। आगे के एपिसोड में हमें पिकाचू और फ्लोकी को जीवन का आनंद लेते हुए दिखाया जाता है, फिशिंग करते हुए दिखाया जाता है और बस अगले ही एपिसोड में एस की टोली मिलती है बहुत ही रेयर पोकेमॉन एमोरा और एमोरस से जहाँ टीम रॉकेट आती है और वो पिटने की बात तो कॉमन है, टीम रॉकेट पिटती है लेकिन जिस लगन से एस उन दोनों पोकेमॉन को बचाता है दैट्स व्हाई वी ऑल लव एस। आखिरकार एस पहुंच ही जाता है सीरेन सिटी जहाँ पर उसको जिमेटर ग्रांड तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। पर जब एस पहुंचता है ग्रांड के पास और जिस स्ट्रेटजी से पिकाचू और फ्रूकी ग्रांड को मात देता है हमें लगता है कि अपना होइन वाला एस का ब्रेन वापिस से आ गया है और एस पा लेता है अपना सेकेंड बैच क्लिफ बैच। इसके बाद एस की टोली बढ़ती है सेलर जीप की तरफ कि उनकी मुलाकात हो जाती है मिट्टी से और मिट्टी ये झट से जान लेती है कि सेरीना के दिमाग में एस के लिए क्या गोलमाल चलते रहता है हमेशा, तो वो सेरीना को इस बीच काफी चिढ़ाती है। फिर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो खोजते हैं फ्लैबी पोकेमॉन को
और इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है एनिमे में जब एस विक्टोरी मिलती है कालोस चैंपियन डायंथा से। इसके बाद जेम्स एस बनकर असली एस को बदनाम कर रहा होता है तो एस उसको मस्त ना बहुत बुरी तरह पीटता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो पहुंच जाते हैं सेलर जिम में जहाँ जिम लीडर कोरीना अपने मेगा एवोल्यूशन को पहले पाना चाहती है। तो मेगा एवोल्यूशन पाने के लिए एस की टोली कोरीना के साथ जाती है केव में जहाँ मेगा ब्लास्टिकन से लड़ते लड़ते कोरीना मेगा एवोल्यूशन को हासिल कर लेती है पर कंट्रोल करना नहीं क्योंकि बैटल में कोरीना का लुकारियो पागल जैसा बिहेव करने लगता है। तो इसी चीज को सुधारने के लिए एस की टोली और कोरीना पहाड़ों पर जाते हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए कि मियोत बाबा एक ऐसा मशीन लेके सामने आता है जिसे कोई भी नहीं हरा पाता है एक्सेप्ट मेगा लुकारियो। तो भले ही लुकारियो मेगा एवोल्यूशन में पागल जैसा बिहेव करता है लेकिन वो डीप रॉकेट को उड़ा देता है। तो मतलब कोरीना अभी भी मेगा एवोल्यूशन में मास्टर नहीं होती है। तो कोरीना के साथ एस की टोली जाती है पूरी मार्वल के पास ट्रेनिंग के लिए और यहाँ पर काफी हद तक कोरीना अपने मेगा एवोल्यूशन में मास्टर हासिल कर लेती है। तो अब बात यह जिम बैटल की बारी लेकिन एस जिम बैटल को मना कर देता है और चल पड़ता है कड़ी ट्रेनिंग के लिए। तो इस कड़ी ट्रेनिंग के दौरान अगले एपिसोड में एस पकड़ता है एक जंगली हालूजा को। फिर एस की स्काई बैटल के दौरान एस का फ्लैश लेके इवॉल्व हो जाता है फ्लैजेंडर में। इसके बाद एस की टोली गुजरती है मिरर्स केव से जहाँ पे हमें दिखता है एस अक्लू सरीना और बेलहम पीकज। फिर अब एस थोड़ा सा ट्रेनिंग करने का सोचता है कि फ्रोकी और हालूजा आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद एस की टोली पहुंच जाती है प्रोफेसर सिकमोर के समर कैंप में जहाँ पे सरीना को पता चलता है उसका पोकेविजन वीडियो सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो समर कैंप के तीसरे दिन सबको टास्क मिलता है पोकेविजन वीडियो बनाने का। इसमें हमको ये तो पता चल जाता है कि अपनी सरीना पोकेविजन वीडियो बनाने में प्रो है। तो सरीना की टीम जीतती है। फिर समर कैंप के चौथे ही दिन एस की टोली पार्टिसिपेट करती है पोकेमोन ओरिएंटिंग में और कैंप के आखिरी दिन यानी पांचवें दिन सभी टीम्स एक दूसरे से बैटल करते हैं। इसमें एस सरीना क्लेमेंट फाइनल में टायरनो सोना और ट्रेवर को हरा के कैंप जीत लेती है। इसके बाद जब एस पहुंचता है सैलोट जिम में तो टायरो के डांस स्टाइल से कोरीना को हराने की सोचता है लेकिन अभी रात होती है तो वहां जनरेटर में उनको पता चलता है पोकेमोन मेगा एवोल्यूशन की ओरिजिन के बारे में। फिर अगले दिन जब बैटल शुरू होती है तो एस समझ लेता है कि किसी दूसरे के बैटल स्टाइल को कॉपी करना बेवकूफी है। एस अपने खुद के बैटल स्टाइल में आता है और झट से कोरीना को हराना शुरू कर देता है। इस जिम बैटल में एस का फ्लैजेंडर हालूजा और पिकाचू अपनी फुल फॉर्म में कोरीना से लड़ते हैं पर जो बैटल एपिक होती है वो होती है एस के पिकाचू और कोरीना के मेगा लुकारियो के बीच। पिकाचू धो डालता है मेगा लुकारियो को और पा लेता है रंबल बैच। तो थर्ड बैच पा लेने के बाद वो मिलते हैं दो मेल और फीमेल साइकिक पोकेमोन म्योस्टिक से और अगले एपिसोड में उनको विग्ली टफ पोकेमोन का असली पावर दिखता है। और इसके बाद आखिरकार सरीना डिसाइड कर ही लेती है कि व्हाट आई वांट बी, वो बनना क्या चाहती है और जवाब होता है एक बेस्ट पोकेमोन परफॉर्मर मतलब कालोस क्वीन। और इसी बीच सरीना पकड़ लेती है अपना पहला पोकेमोन पैंचम और इसके बाद क्लेमेंट को उसका पुराना दोस्त लग्जियो भी मिल जाता है। और सीजन के लास्ट एपिसोड में हमें दिखता है बहुत सारे लैप्रस पोकेमोन जहां मस्त टीम रॉकेट पिटती है। तो गाइस पोकेमोन एक्स वाई सीजन यहीं पर खत्म होता है।